आपका स्वरूप, आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा, आपका धर्म बताना पड़ता है आपको भाई कि ये हमारा नव वर्ष है। कितनी सुंदर संस्कृति हमारी, कितनी सुंदर सभ्यता हमारी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब नया कलेवर ओढ़ते हैं जब हम नव वर्ष मनाते हैं। पहले दिन, पहला दिन कौन सा होता है हमारे नव वर्ष का? देखो कि दो चार आवाज आई मुझे, पहला नवरात्र। और मैं पूछूं हैप्पी न्यू ईयर कब होता है? सारे नहीं पता महाराज जी। आप देखो हमारे ऋषि मुनियों की मनीषा देखो, उनकी भावना देखो कि हम नए वर्ष में प्रवेश करते हैं व्रत से, अनुष्ठान से, संयम से, साधना से, पवित्र भावना से। और आप नव वर्ष में प्रवेश करते हो आधी रात, जब आसुरी बेला होती है, 12 बजे ठीक आसुरी बेला होती है, आधी रात जब असुर नाच रहे होते हैं ऐसे अस्तित्व में, और पी पी कर मदिरा पड़े हो आप, ये नववर्ष मनाने का तरीका है? अरे कभी एकांत में बैठकर अपने ही मन से पूछो कि जो कर रहे हो वो कितना युक्तियुक्त है, वो कितना सीधा और सटीक है। मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको स्वयं उत्तर मिल जाएगा। बड़े दुख की बात है, दिवाली के दिन स्कूल में छुट्टी होती है और क्रिसमस पूरा स्कूल मना रहा होता है। भूल जाएंगे हमारे आने वाले युवा कि हमारे त्योहारों का महत्व क्या है, उत्सव होता क्या है, विकृत हो जाएगी संस्कृति। और आपको एक बात और बता दूं, आप चैन की नींद सोना चाहते हैं और आपके निकट बैठा कोई व्यक्ति पीड़ा से कराह रहा है, माफ करना आपको पीड़ा तो नहीं होगी लेकिन चैन से सो आप भी नहीं पाएंगे। जुड़े हैं आप और मैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं, मानवता सुखी होगी तभी आप और मैं सुखी होंगे। कितने दुख की बात है आज गौ माता की सेवा के लिए ऐसे संतों को दर दर पर भटकना पड़ता है। फिर लोग कहते और हैं, बोले महाराज आपको क्या लेना है, आप क्यों भटक रहे हो, आपको क्या लेना है। यही तो संत का संतत्व है कि उसे कुछ लेना भी नहीं है, उसे कुछ देना भी नहीं है, उसे फिर भी अपना जीवन दांव पर लगाना है। यही तो उसकी साधुता है, यही देखकर तो भगवान कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा, यही तो उसकी निष्कामता है। जो आपका मेरा कर्तव्य था उसके लिए संतों को हाथ पसारना पड़ता है, उसके लिए संतों को याचना करनी पड़ती है। जो आपका मेरा कर्तव्य था, कर्तव्य है, जिसे उपकार बुद्धि से नहीं कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए। मैं क्षत्रिय वंश का बालक हूं, गौ और ब्राह्मण की सेवा यदि करूं तो वो मेरे लिए पुण्य नहीं है, वो मेरे लिए उपकार नहीं, वो मेरा सहज कर्तव्य है, मुझे करनी ही है इसीलिए करता हूं।